जी।
भगवती माँ सरस्वती की उपासना व वंदना पश्चात विश्वविद्यालय की अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी को पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत करें। सर प्लीज। मैं आग्रह करती हूँ सभी डीन्स वगैरह सभी से कि वे पुनः जी धन्यवाद सर। इसी श्रृंखला में विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदया श्रीमती ऋतु सिंह जी से मेरा निवेदन कि वे समारोह के विशिष्ट अतिथि हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री श्री देवी जलाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैम धन्यवाद। मैम डीन एकेडमिक अफेयर्स चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय प्रोफेसर आर के गुप्ता जी से मेरा आग्रह कि वे भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद श्री धर्मवीर जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। डीन लाइफ साइंसेस प्रोफेसर संजीव कुमार जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे भिवानी के लोकप्रिय विधायक श्री घनश्याम सराफ जी का स्वागत करें। प्रोफेसर संजीव कुमार धन्यवाद सर। जोरदार तालियों से हमारे सभी जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं आप सभी का स्वागत। डीन फैकल्टी ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट एंड स्पेस साइंसेस प्रोफेसर ललिता गुप्ता जी से निवेदन कि वे प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक वाइस चांसलर श्री चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी का स्वागत करें। मैम प्लीज। धन्यवाद सर। मैं पुनः अनुरोध करती हूँ डीन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर दिनेश कुमार मदान जी से कि वे हमारे अतिथि श्री विशंबर वाल्मीकि जी विधायक भवानीखेड़ा से उनका स्वागत करें पुष्प गुच्छ भेंट करें। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करती हूँ डीन फिजिकल साइंसेज डॉक्टर मयंक किंगर जी का कि वे श्री गजेंद्र चौहान जी वाइस चांसलर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल एंड विजुअल आर्ट्स श्री गजेंद्र चौहान जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ भेंट करके। जी धन्यवाद सर। डीन फार्मास्यूटिकल साइंसेस प्रोफेसर नितिन बंसल जी से अनुरोध कि वे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्री वीपी यादव जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी का चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने पर पधारने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज लेडीज एंड जेंटलमैन टू वेलकम यू ऑल ऑन दिस ग्लोरियस सेकेंड कॉन्वोकेशन ऑफ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी। माननीय कुल सचिव महोदया श्रीमती रितु सिंह जी से मेरा निवेदन कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय से आज का यह दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की घोषणा करने का अनुरोध करें। मैम प्लीज। ऑनरेबल चांसलर सर, आई रिक्वेस्ट यू टू डिक्लेयर द कॉन्वोकेशन ओपन। I declare the convocation open. Thank you.
Thank you so much, sir. It's indeed an honor and privilege to be declared open this convocation, second convocation. मैं अनुरोध करती हूँ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक श्री दीपक वाधवा जी से कि वे कुलाधिपति महोदय से निवेदन करें कि स्क्रॉल डिग्रीज पर अपने हस्ताक्षर करें. आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सोनिका मिस उर्षिता टू प्लीज असिस्ट. चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरवमय क्षण. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. मान्यवर, आज के दीक्षांत समारोह की स्मारिका आप सभी के सम्मुख विमोचन हेतु प्रस्तुत है और आपसे मेरा विनम्र निवेदन कि आप अपने कर कमलों से इसका विमोचन करें. मैं पुनः डॉक्टर सोनिका और उर्षिता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस कार्य में असिस्ट करें और सबके लिए स्मारिका लेकर आए. जी, आप सभी का धन्यवाद. मान्यवर, आप सभी को सूचित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने अपना कुलगीत तैयार कर लिया है जिसके रचयिता श्री रमाकांत आर्य जी, रमाकांत शर्मा क्षमा, के प्रति हम विशेष रूप से आभारी हैं. मैं निवेदन करती हूँ कि माननीय कुलाधिपति महोदय इस विश्वविद्यालय कुलगीत का लोकार्पण करें और मैं राकेश से अनुग्रह करती हूँ, राकेश, इस कुलगीत को प्ले किया जाए, कुलगीत की प्रति सबको दी जाए. मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि कुलगीत के उस सम्मान में सब लोग एक बार खड़े हो जाएं. विश्व विद्या का उपासक, विश्व विद्या का उपासक, विश्व विद्यालय हमारा, विश्व विद्या का उपासक, विश्व विद्यालय हमारा, सत्य शिक्षा का प्रसार, सत्य शिक्षालय हमारा, विश्व विद्या का उपासक, विश्व विद्यालय हमारा. गगन जिसका सुपावन, गगन जिसका सुपावन, जिसकी गोद में जिसको सहेजे, जिसको सहेजे, प्रेम का सुंदर नगर ये सौम्य शोभालय हमारा. शिक्षा
सभी का धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं कंपोज़र डॉक्टर मुकेश और डॉक्टर अशोक वर्मा जी का, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर कविता सोबू, मीनाक्षी वर्मा, ज्योति चौहान, रोहित कुमार, चंद्र चौहान, आरती, मोनिका फॉर गिविंग द म्यूज़िक एंड देयर वॉइस टू दिस स्कूल गीत। विद्वज्जन, अत्यंत गौरव का विषय है कि विश्वविद्यालयों के चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास के समग्र विकास के विषय पर एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिसे देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने की योजना है। दिस इज़ अ यूनिक करिकुलम डेवलप्ड बेस्ड ऑन द पंचकोश, दैट इज अनन्मय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश, एंड इज़ डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाई यूनिवर्सिटी इन 2019। यूनिवर्सिटी एक्नॉलेजेस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर बाबू राम जी एंड डॉक्टर कुलदीप मेहंदी रत्ता फॉर देयर एफर्ट्स इन डेवलपिंग द सेम। आज इन हर्ष एवं गौरव के क्षणों में हम आपसे इस पाठ्यक्रम के विमोचन हेतु निवेदन करते हैं। पाठ्यक्रम को मिस उर्षिता एंड मिस नेहा, प्लीज गेट इट फॉर द गेस्ट्स टू बी रिलीज्ड। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के समग्र विकास की ओर बहुत सारे अपने कदम जो है नित्य निरंतर बढ़ाए जा रहा है। इसी क्षेत्र में इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस सेरेमनी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय कोलीग डॉक्टर स्नेहलता टू टेक ओवर। थैंक यू ऑल, थैंक यू। धन्यवाद मैम। अब मैं कुल सचिव महोदय श्रीमती ऋतु सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वो माननीय कुलपति महोदय को विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति एवं सम्मानित अतिथिगण के स्वागत हेतु आमंत्रित करें। कुल सचिव महोदय। वर्दी वाइस चांसलर सर, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वेलकम द गेस्ट एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। नमस्कार। महामहिम राज्यपाल हरियाणा एवं कुलाधिपति चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद माननीय श्री धर्मवीर सिंह जी, भिवानी के विधायक श्री घनश्याम सराफ जी, भवानी खेड़ा के विधायक माननीय श्री विशंबर सिंह जी, मेरे सहयोगी कुलपति सम्मानित प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक, वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, श्री गजेंद्र चौहान जी, सम्मानित कुलपति पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री वीपी सिंह, एडमिनिस्ट्रेशन से सभी यहाँ के माननीय डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट पुलिस, सभी अधिकारीगण, हमारी विश्वविद्यालय की जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटी कोर्ट, प्लानिंग बोर्ड, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, फाइनेंस कमेटी, इनके सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय की कुल
कुल सचिव श्रीमती रितु सिंह जी, हमारे इस विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, मैनेजिंग कमेटी के सदस्यगण, इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरे विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक, गैर शिक्षक साथियों और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों जिनको आज उपाधि प्रदान की जाएगी, सभी अभिभावकगण, प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित बंधुवर, देवियों और सज्जनों, आप सबका इस चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में आज इस पावन दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है और हम सब के लिए अत्यंत खुशी, हर्ष की बात है कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, जिनका जीवन हमेशा समाज सेवा में लगा, जिन्होंने शिक्षा के प्रति गहरी रुचि के कारण आज सारे हरियाणा में ज्ञान की गंगा बह रही है, 50 से अधिक यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और इसी के कारण आज सभी विश्वविद्यालयों में एक शिक्षा का माहौल बना है जिसमें युवाओं को सशक्तिकरण किया जाता है, उद्यमशीलता के लिए प्रेरित किया जाता है और संवेदनशील मुद्दे, चाहे वो पर्यावरण हो, महिला सशक्तिकरण हो आदि आदि पर एक चर्चा शुरू होने लगी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस शिक्षा के बदलाव के कारण हरियाणा में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक हरियाणा को उच्च शिखर पर पहुंचने में मदद मिलेगी। मैं माननीय कुलाधिपति का पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से इस द्वितीय दीक्षांत समारोह में अभिनंदन, स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे मध्य माननीय श्री जेपी दलाल जी, श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री घनश्याम जी, श्री विशंबर जी उपस्थित हैं। आप सबके मार्गदर्शन, सहयोग से हम इस पूरे क्षेत्र को, भिवानी दादरी को अच्छी तरह से समझ पाए हैं और हमारा चाहे शिक्षा हो या शोध हो, इन सभी क्षेत्रों के उत्थान के लिए समर्पित है। यह सब आपके सहयोग के कारण हुआ। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस दीक्षांत समारोह में लगभग 1700 विद्यार्थियों को डिग्रीज और 90 विद्यार्थियों को मेडल, गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। इन सभी विद्यार्थियों को, उनके परिवार जनों को और सभी गुरुजनों को भी मैं नमन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि इन्हीं के सबके सामूहिक प्रयास से आज अब सब लोग यहां पर इस लायक बने कि आप डिग्री मिले या आपको गोल्ड मेडल मिले। मैं विस्तार से समय सीमा को ध्यान में रखते हुए नहीं ज़्यादा समय लेना चाहूँगा और मेरी जो प्रतिवेदन है, वाइस चांसलर रिपोर्ट, ये आप सबको सर्कुलेट की जाएगी। केवल कुछ शब्दों में अपनी बात को पूरा करूँगा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने मात्र 8 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अनूठे प्रयोग किए हैं और उन अनूठे प्रयोगों में से मैं 2-3 को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा और माननीय कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहला तो मैं मानता हूँ कि हमारा लक्ष्य युवाओं को स्वावलंबी बनाने का रहा, चाहे अर्न वाइल यू लर्न। माननीय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 100 से ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ने के साथ साथ
कुछ ना कुछ धन अर्जन करने का काम कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि ये सभी विद्यार्थी सरकार के ऊपर या किसी और संस्थाओं के ऊपर रोजगार के लिए निर्भर नहीं होंगे, ये जॉब प्रोवाइडर होंगे, ना कि जॉब सीकर। एक अनूठा प्रयोग माननीय किया हमने कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में हमने 30-30, 40-40 बच्चों को तरंग माध्यम से जोड़ा, और जो सफल उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, उनके माध्यम से, उनको जोड़ने से, उनको एक्शन से मोटिवेट किया, ताकि विद्यार्थियों को एक कॉन्फिडेंस आ सके, भरोसा आ सके, और वो उनसे जो उनकी शंकाएँ हैं उनका भी निवारण हो सके। ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, और हमारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का आर्यभट्ट इंक्यूबेशन सेंटर इसके लिए समर्पित है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि भिवानी मिनी क्यूबा जानी जाती है, खेलों के लिए जानी जाती है। हमारा विश्वविद्यालय समर्पित है हर युवा को खेल से जोड़ने के लिए, और इस छोटी सी अवधि में मुझे बड़ा हर्ष है आप सबके साथ यह बात साझा करते हुए कि नीतू घनघस ने अभी हाल ही में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। यहाँ के ही मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, और हमारा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के 4 बहुत बड़े बड़े हमने खेल ऑर्गेनाइज किए, जिसमें 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज ने भाग लिया और 1500 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, वो महिला और पुरुष दोनों के थे। ऐसे 4 इवेंट हमने 8 साल में यहाँ पर आयोजित किए। तीसरी बात मुख्य रूप से मैं ये कहूँगा कि हम सब ने अपने समक्ष लक्ष्य रखा कि क्या हम आसपास के समाज के लिए, आसपास के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, क्या हम इस चीज़ के लिए जाने जाएं कि हम आसपास के क्षेत्र और लोगों के लिए किस तरीके से उनकी समस्याओं को समझकर उसका निवारण कर रहे हैं। और हमारे लिए ये मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए आप सबको कि हम इस पूरे क्षेत्र को एक लैबोरेटरी की तरह मानते हैं, प्रयोग करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए समर्पित हैं, और जिसके परिणाम आज हम सबको दिख रहे हैं। विश्वविद्यालय ने 5 गांवों को अडॉप्ट किया, 2 गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली, और साथ में लायंस क्लब के साथ मिलकर भिवानी और दादरी पूरे क्षेत्र को जितने भी अडल्ट इलिटरेट हैं उनको पूरी तरह से शिक्षित करना, ये हमने अपने समक्ष लक्ष्य रखा, और हमें इसमें 5 गांवों में एक लोगों को लिटरेट करने में सफलता भी मिली। अंत में मैं कुछ प्रयोगों में ये कहना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों का समग्र विकास। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने ये जाना कि शिक्षा मात्र क्लासरूम में पढ़ने पढ़ाने से नहीं होती, शिक्षा स्पोर्ट्स के मैदान से भी मिल सकती है, शिक्षा आर्ट्स, डांस, ड्रामा इनमें भाग लेकर भी मिल सकती है, शिक्षा किसी गांव में ट्रेनिंग लेकर भी कर सकती है। इसके लिए हमने 11 हॉबी क्लब्स बनाए, डांस, ड्रामा, फोटोग्राफी, म्यूजिक एट्सेट्रा, हर बच्चा किसी न किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, अपने आप गतिविधियों को आयोजित करता है, और इसका परिणाम भी मुझे सकारात्मक दिख रहा है। लास्ट में मैं इस दिशा में ये कहूँगा कि हमने इस अल्प अवधि में इस 2 शैक्षणिक भवनों का निर्माण कर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को नया परिसर दिया, और ये मात्र कोविड काल में ही संभव किया, और इस छोटे से अवधि के अंतर्गत ये कार्य संभव हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कैंपस बनने से हम विद्यार्थियों को और बेहतर सुविधाएं और इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोर्सेज को देना चाहेंगे। अंत में विद्यार्थियों से मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों, हमें स्वावलंबी युवा बनना है, सतत ज्ञानार्जन प्रक्रिया में लगना है। पूरा विश्व बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, इसमें हमने इसको ज्ञान के द्वारा ही हम अपने आप की सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। गीता में कहा भी है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते,
ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आज भारत बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, विभिन्न विभिन्न नए नए क्षेत्रों में, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या आईटी की सर्विसेज हो, कुछ और हो, एक स्टार्टअप कल्चर पूरे के पूरे विश्व में उभर रहा है। सरकार सकारात्मक नीतियां अपनाई, सरकार ने विश्वविद्यालयों में भी इस दिशा में कदम उठाए गए। आप इसका हिस्सा बने, आसपास के इलाके से जुड़ें, उनकी समस्याओं को समझें और कोई ना कोई नवाचार कर उद्यमशीलता को अपनाकर कुछ ना कुछ काम करें। इसी में भारत की तरक्की है, संपन्नता है। सफलता केवल भौतिक लाभ से ना नापे, परिवार, समाज, राष्ट्र की तरक्की में हिस्सेदार बने। इसी से आध्यात्मिकता मिलती है, इसी से हमें खुशी मिलती है। तो हमें केवल केवल इस जो भेड़ चाल की दुनिया है, इसमें नहीं फंसना, अपने आप को डेडिकेट करना है कि किस तरीके से हमारी सार्थकता बने, किस तरीके से हम समाज परिवार के काम आए। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जीवन को सरल और प्राकृतिक बनाएं। जैसे कि अभी बताया गया, तैतरीय उपनिषद में पंचकोश का सिद्धांत है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये कोश हम सब इनके ऊपर फोकस करें और इसमें हमारा तन, मन, बुद्धि, इन सब का विकास होगा और इसी में जीवन सफल होगा। लास्ट में मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगा, उठो युवाओं, करो परिश्रम, शीघ्र स्वर्ग युग आए, जले ज्ञान का दीप, अंधेरा गांवों का मिट जाए, बड़े शिल्प उद्योग, नहर खेतों की प्यास बुझाए, माटी की गुड़िया फिर सोने की चिड़िया कहलाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं माननीय कुलाधिपति और उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का विशेष रूप से विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद करता हूं। जय भारत। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करना किसी भी विद्यार्थी का सपना होता है। जी हाँ, अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण आ पहुँचा है। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय कुल सचिव महोदया श्रीमती ऋतु सिंह जी से कि वो निवेदन करें कुलपति महोदय से कि सुयोग्य छात्र छात्राओं को डिग्रियाँ प्रदान की जाएं। रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर, I request you to kindly award the degrees to the qualified students of postgraduate programs of the study of university. Thank you, ma'am. I now invite the deans of the faculties to present the students. First of all, I invite the Dean, Faculty of Behavioral and Cognitive Sciences, to present the students. Dean, Faculty of Behavioral and Cognitive Sciences, Dr. Sunita Bharatwal. Sir, I present to you the students of Faculty of Behavioral and Cognitive Sciences comprising of the Department of Psychology, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of the degree, and I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Chaudhary Bansilal University, I admit all the qualified student of the university to the degrees of the university and charge you that ever in your life, thought, action and conversation, you prove yourself worthy of the same. Congratulations to all the students. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I invite on stage the Dean, Faculty of Commerce and Management, to present the students. Dean, Faculty of Commerce and Management, Dr. Sunita Bharatwal. I request the students of the Departments of Commerce, Economics and Management to kindly rise in your seats. Sir,
So I present to you the students of Faculty of Commerce and Management, comprising of the Department of Commerce, Economics and Management, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of the degree, and I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Chaudhary Bansilal University, I admit all the qualified students of Faculty of Commerce and Management to the degrees of the university and charge you that ever in your life, thought, action and conversation, you prove yourself worthy of the same. Congratulations to all the students. Thank you, sir. Now I invite Dean Faculty of Earth, Environment and Space Sciences to present the students. Dean Faculty of Earth, Environment and Space Sciences, Professor Lalita Gupta. I request the students of the Department of Geography to rise in their seats. Department of Geography. Sir, I present to you the students of Faculty of Earth, Environment and Space Sciences, comprising of the Department of Geography, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified award of the degree, and I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Chaudhary Bansilal University, I admit all the qualified students of the Faculty of Earth, Environment and Space Sciences to the degrees of the university and charge you that ever in your life, thought, action and conversation, you prove yourself worthy of the same. Congratulations to all the students. Thank you, sir. Now I invite the Dean, Faculty of Humanities, to present the students. Dean, Faculty of Humanities, Professor Baburam. I also request the students of the Departments of English, Hindi, and Media and Communication Studies to rise in their seats. Sir, I present to you the students of Faculty of Humanities, comprising of the Department of English, Hindi, and Media and Communication Studies, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of degree, and I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Chaudhary Bansilal University, I admit all the qualified students of the Faculty of Humanities to the degree of university and charge you that ever in your life, thought, action and conversation, you prove yourself worthy of the same. Congratulations to all the students. Bahut bahut dhanyavad, sir. Now I invite the Dean, Faculty of Information and Technology to present the students. I also request the students of the Department of Information and Communication Technology to rise in their seats. Dean, Faculty of Information Technology, Professor Dinesh Kumar Madan. Sir, I present to you the students of Faculty of Information and Technology, comprising of the Department of Information and Communication Technology, the students of MSc Computer Science, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of degree, and I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Chaudhary Bansilal University, I admit all the qualified students of Faculty of Information and Technology to the degrees of the university and charge you that ever in your life, thought, action and conversation, you prove yourself worthy of the same. Congratulations to all the students. Thank you, sir.
Thank you, sir. Now I invite the Dean, Faculty of Life Sciences to present the students. Dean, Faculty of Life Sciences, Professor Sanjeev Kumar. I also request the students of the departments of Biotechnology, Botany, Microbiology, and Zoology to rise in their seats. Sir, I present to you the students of Faculty of Life Sciences, comprising of the departments of Biotechnology, Botany, Microbiology, and Zoology, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of the degree, and I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Chaudhary Bansi Lal University, I admit all the qualified students of the Faculty of Life Sciences to the degree of the universities, and charge you that ever in your life, thought, action, and conversation, you prove yourself the same. Congratulations to all students. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I invite the Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences to present the students. Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Professor Nitin Bansal. I also request the students of the Department of Pharmaceutical Sciences to rise in their seats. Sir, I present to you the students of Faculty of Pharmaceutical Sciences, comprising of the Department of Pharmaceutical Sciences, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of the degree, and I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Chaudhary Bansi Lal University, I admit all the qualified student of the Faculty of Pharmaceutical Sciences to the degrees of the universities, and charge you that ever in your life, thought, action, and conversation, you prove yourselves worthy of the same. Congratulations to all the students. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I invite on stage Dean, Faculty of Physical Sciences to present the students. Dean, Faculty of Physical Sciences, Dr. Mayank Kinger. I also request the students of the departments of Chemistry, Mathematics, and Physics to rise in their seats. Thank you. Sir, I present to you the students of Faculty of Physical Sciences, comprising of the Department of Chemistry, Mathematics, and Physics, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of the degree, and I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Chaudhary Bansi Lal University, I admit all the qualified students of the Faculty of Physical Sciences to the degrees of the university, and charge you that ever in your life, thought, action, and conversation, you prove yourself worthy of the same. Thank Congratulations you, to all the students. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now I invite on stage Dean, Faculty of Social Sciences to present the students. Dean, Faculty of Social Sciences, Dr. Sunita Bharatwal. I also request the students of the departments of History, Political Science, and Social Work to rise in their seats. So I present to you the students of Faculty of Social Sciences, comprising of the Department of History, Department of Political Science, and Department of Social Work, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of the degree, and I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Chaudhary Bansi Lal University, I admit all the qualified students of Faculty of Social Sciences to the degrees of the university, and charge that you ever in your life, thought, action, and conversation, you prove yourselves worthy of the same. Congratulations to all the students. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I invite on stage the Dean, Faculty of Sports Sciences, to present the students. Dean, Faculty of Sports Sciences, Dr. Suresh Malik. I also request the students of the Department of Physical Education to kindly rise in their seats.
sir. I present to you the students of Faculty of Sports Sciences comprising of the Department of Physical Education, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of the degree. And I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Chaudhary Bansilal University, I admit all the qualified students of the Faculty of Sports Sciences to the degrees of the university and charge that you ever in your life, thought, action and conversation, you prove yourselves worthy of. Congratulations to all the students. Thank you, sir. Thank you, sir. Talents and skills are the crops that are nurtured, groomed, and given all the possible opportunities to grow and bloom. Now is the time to honor those students who have achieved the excellency through their meritorious and exemplary performance. This is a much awaited event in every student's life, as it gives the returns to the efforts put in by them throughout their academic endeavor. Now, the university gold medals and their meritorious certificates to the student courses who stood first in their respective examinations in the first attempt during the different academic sessions will be conferred. I request the teacher in charges to kindly assemble all the students of different academic sessions to be awarded with gold medals and certificates near the stage, starting firstly with the batch 2015-17, and all the students will be requested to come one by one. Now I request our Vice Chancellor to kindly request His Excellency Honorable Chancellor Sir to award the medals and certificates to the students of all courses who stood first in their respective examinations during the academic session 15-17. I request the Honorable Chancellor Shri Bandaru Dattatreya Ji to kindly present the gold medals to the students of 2015-17 batch for their meritorious and exemplary performance. Mananiya Kuladhipati Ji. I may please request our respected Dean Student Welfare, Dr. Suresh Malik, to present the candidates of the academic session 2015-17 for the award of gold medals and certificates. Sir, I present to you the recipients of the gold medals of the 2015-17 batch. First of all, Monica Rani, Department of Commerce. Sabeta Sangwan, Department of Botany. Rinku, Department of Chemistry. Students are requested to cheer up for their meritorious performances. Tamanna Goyal, Department of Economics. आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इन बच्चों के उत्साह को और बढ़ाएंगी. अनुभव, Department of English. Manisha, Department of Geography. Geeta Devi, Department of Hindi. Salu Rani, Department of History.
Kusum, Department of Journalism and Mass Communication. Seema, Department of Social Work. Mitali Verma, Department of Pharmaceutical Sciences. Audience are requested to please cheer up the gold medalist awards of the students. Sujata, Department of Physics. Tamanya, Department of Psychology. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Now, further, may I request our distinguished guest, Shri Jay Prakash Dalal Ji, Agriculture Minister, Haryana, to kindly present the gold medals to the up next batch of 2016-18 for their meritorious and exemplary performance. I request Dean Student Welfare, Dr. Suresh Kumar Malik, to present the candidates of academic session 16-18 for the award of gold medals and certificates. Sir, I present to you the recipients of the gold medals of the 2016-18 batch. Priya, Department of Biotechnology. Manjeet, Department of Botany. Monica Sihag, Department of Chemistry. Ritu Kaushik, Department of Commerce. Kiran Yadav, Department of English. Kavita, Department of Geography. Neeru, Department of Hindi. Jyoti, Department of History. Navin Sharma, Department of Management. Renu, Department of Journalism and Mass Communication. Monica Mann, Department of Social Work. Raghu Rai, Department of Pharmaceutical Sciences. Pooja, Department of Physical Education. Sanjeev Kumar, Department of Psychology. Vikas, Department of Geology. Thank you, sir. Thank you so much. Congratulations to all the award winners of this batch. Now, may I further please request our guest of honor, Member of Parliament, Shri Dharamveer Singh Ji,
to kindly come and present the gold medals to the students of next batch 2017-19 for their meritorious as exemplary performance. Sir, please. And I also request Dean Student Welfare Dr. Suresh Malik to present the candidates of the academic session 2017-19 for the award of the gold medals. Sir, I present to you the recipients of the gold medals of the 2017-19 batch. Jyoti Bhardwaj, Department of Biotechnology. Sweta, Department of Botany. Pooja, MSc Computer Science, Rajiv Gandhi Government College for Women, Bhiwani. Sarita, MA Political Science, Government College, Bhiwani. Stender Singh, MA English, Government College, Bhiwani. Manish Kumar, MA Hindi, Government College, Luharu. Poonam Rani, MA History, Banwarilal Jindal, Suiwala College, Tosam. Sunny Mehra, Department of Journalism and Mass Communication. Pooja, Department of Physical Education. Asta, MA Economics, Department of Economics. Neha, Department of Psychology. Pinky Rani, Neha, Department of Psychology. Pinky Rani, Department of Geology. Thank you, sir. Congratulations to all the award winners. Thank you, sir. Now may I further request another guest of honors, member of Legislative Assembly, Shri Ghanshyam Sharaf ji, Shri Bishambar Singh ji, and another guest of honor, Shri Ved Prakash Yadav ji, Chairman Haryana Education Board, to kindly come and present the gold medals to the students of 2018-20 batch for their meritorious and exemplary performance. Sir, please. I request Dean Student Welfare to present the candidates of the academic session 2018-20 for the award of gold medals. Sir, I present to you the recipients of the gold medals of the 2018-20 batch. Kiran, Department of Biotechnology. Jyoti, Department of Chemistry. Ankita, Department of Economics. Riya Gupta, MA English, Adarsh Mahila Mahavidyalaya Bhiwani. Renu Devi, Department of Geography. Priyanka, Priyanka, MA Hindi, Mahila Mahavidyalaya Jhojukala. Vinod Kumar, MA History, GDC Memorial College, Bahel. Ravina, Department of Journalism and Mass Communication.
Abhimanyu, Department of Physical Education. Chavi, Department of Physics. Priya, MSc Psychology, MNS Government College, Bhiwani. Ritu Bala, Department of Geology. Thank you, sir. Thank you, sir. Congratulations to all the award winners. Now, may I please request our esteemed guest, Professor Ajmer Singh Malik Ji, Vice Chancellor, Chaudhary Devilal University, Sirsa, and Shri Gajendra Chauhan Ji, Vice Chancellor, Pandit Lakshmi Chand State University of Performing and Visual Arts, to kindly come and present the gold medals to the students of the 1921 batch for their meritorious and exemplary performance. I also request Dean Student Welfare Dr. Suresh Malik to present the candidates of the academic session 1921 for the award of gold medals. Sir, I present to you the recipients of the gold medals of the 2019-21 batch. MA English, Adarsh Mahila Mahavidyalaya Bhiwani. Himani, Department of Pharmaceutical Sciences. Priya Sharma, Department of Botany. Sangeeta, MSc Chemistry, Mahila Mahavidyalaya Jhojhukala. All the audience are requested to kindly cheer up for the award winners. Anju, Department of Computer Science. Preeti, MSc Geography, Chaudhary Bansilal Government College for Women, Tosam. Suruchi, Department of Microbiology. Monica, Department of Physics. Preeti Kumari, MSc Psychology, MNS Government College, Bhiwani. Kirti Sharma, Department of Geology. Komal Mittal, Department of Management. एक रह गया कोई से बैच का एक डिग्री दिला दो उसको ही नहीं से दिला दो एक लड़का ये एक बैच करेगा एक मेडल एक आया हुआ है ऊपर चढ़ा हुआ आप दे अभी मिला आ जा इधर आ गया हाँ हाँ क्या नाम है थैंक यू सर्स अब समय है शपथ ग्रहण का मेरा सभी डिग्री धारकों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर अपना दाहिना हाथ आगे करके और शपथ ग्रहण की मुद्रा में खड़े हो जाएं। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट
Vice Chancellor Sir, to request the Honorable Chancellor Sir to administer the pledge to the graduating students. I request the Honorable Chancellor Sir, Shri Bandaru Dattatreya Ji, to administer the pledge to the degree holders. Sir, please. हम सारे सारे बोलना चाहिए साथ साथ बोले ये प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञा सब लोग सारे डिग्री होल्डर्स ठहर कर ये प्रतिज्ञा मैं इस प्रकार बोलूँगा उस प्रकार आप प्रतिज्ञा लेना चाहिए हम मन वचन और कर्म से प्रत्येक व्यक्ति की मर्यादा तथा व्यवसाय की पवित्रता की गरिमा बनाए रखते हुए शुचितापूर्वक कर्तव्य का पालन करेंगे हम अर्जित ज्ञान और बौद्धिक उपलब्धियों का उपयोग विश्वविद्यालय समाज तथा राष्ट्र के हित में करेंगे हम समावेशी एवं सतत विकास आधारित समाज के निर्माण के लिए कार्य करेंगे बहुत बहुत आभार सर सभी जन आज के इस दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मंच जनमानस के हृदय में विराजमान लोकप्रिय नेता हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी माननीय आपसे मेरा सादर है निवेदन कि आप कृपया मंच पर आएं एवं पंडाल में उपस्थित युवाओं का अपनी ओजपूर्ण वाणी से उत्साहवर्धन करें चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित हरियाणा के महामहिम राज्यपाल व बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय जी हमारे यहाँ के उपकुलपति राजकुमार मित्तल जी मेरे साथी माननीय सांसद धर्मवीर जी भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ जी भवानीखेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि जी देवीलाल विश्वविद्यालय के उपकुलपति अजमेर सिंह मलिक जी गजेंद्र चौहान जी जो पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं हमारे विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव जी हमारे शंकर धोपड़ा जी डीसी साहब एसपी साहब सभी मेरे फैकल्टी के मेंबर और आज एक नई उमंग के साथ नया जीवन शुरू करने जा रहे यहाँ भिवानी के इस विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं बड़ा खुशी का मौका होता है जब इतने सालों की शिक्षा दीक्षा के बाद आप इस डिग्री को हासिल करते हैं और आज इस द्वितीय दीक्षांत समारोह में यह हमारा भाग्य है सभी विद्यार्थियों का कि माननीय महामहिम जी ने खुद अपने हाथों से ये आपको डिग्री दी है अब मैं सबको आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि मानवता के लिए सारी दुनिया के लिए आप जो है जो आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है एक अच्छाई के लिए भलाई के लिए परिवर्तन के लिए सुखद परिवर्तन के लिए आप काम करेंगे आज हमारा देश जो है एक परिवर्तन के दौर में है बहुत तेज गति से हमारा देश बढ़ रहा है
सारा विश्व ये मानता है कि आने वाला दुनिया के अंदर कोई सबसे ज़्यादा प्रगति करने वाला देश है तो वो भारतवर्ष है। हमारी जीडीपी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, हमारे किसान पसीना बहा करके कोरोना के काल में भी अच्छा उत्पादन करके मानवता का पेट भरने का काम किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश की पॉपुलेशन जो आबादी है दुनिया के अंदर सबसे युवा आबादी हमारे देश के अंदर है। अब सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि आप अपनी मेहनत से अपनी प्रतिभा से सारी दुनिया को जो शिक्षा दीक्षा आपने ग्रहण की है उसका लाभ उसको पहुंचाएं। और मैं तो ये मानता हूं शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। और इस विश्वविद्यालय ने जो जिसका छोटा सा जीवन काल है थोड़े से समय के अंदर बहुत अच्छा एक शिक्षा का वातावरण तैयार किया है और ये कैंपस इतना अच्छा है 100 एकड़ से बड़ा कैंपस। आने वाले वक्त के अंदर मुझे उम्मीद है कि भारत का ही नहीं दुनिया के जो उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हैं उनमें से एक चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय प्रेमनगर भिवानी का होगा। किसी भी विश्वविद्यालय को अच्छा बनाने में कोई भवन या इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, उसके फैकल्टी उसके और उससे निकलने वाले विद्यार्थी वो महत्वपूर्ण हैं कि वो दुनिया के अंदर अपनी शिक्षा के द्वारा क्या योगदान देते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि भिवानी के छात्र दुनिया में अपना नाम कमाएंगे और आने वाले वक्त के अंदर हमारे हरियाणा का भारत का नाम दुनिया के अंदर रोशन करेंगे। पिछले दिनों मेरा सौभाग्य मिला एक बहुत कोरिया के बड़े इंडस्ट्रीज से मिलने का। हमने उसको कहा कि आप अपने देश की तरक्की का अगर एक शब्द में कोई वर्णन करना चाहें तो क्या वजह हो सकती है। हुंडई के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि एक शब्द में अगर मैं बताऊं तो वह है एजुकेशन। हमारे यहाँ भी जो आज पूरे देश का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मनोहर लाल जी का भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का पूरा ध्यान है कि शिक्षा की तरफ तेज गति से सुधार किया जाए। नई हम शिक्षा नीति लेके आए हैं और पिछले 2014 के बाद आप देखेंगे, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी 13-14 यूनिवर्सिटी होती थी, आज जो जाके हरियाणा के अंदर अकेले में सरकारी और प्राइवेट मिलकर 56 यूनिवर्सिटियाँ यहाँ बन चुकी हैं, विश्वविद्यालय जहाँ ज़्यादा बन चुके हैं। अपने ज़िले से हम देखें पिछले 2-3-4 साल के अंदर महिलाओं के लिए नए नए कॉलेज आए हैं, कुड़ल के कॉलेज अभी चला है, ईश्वरवाल का कॉलेज अभी बना है और सभी कॉलेजेस के अंदर नई नई फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। एमए इंग्लिश की क्लास, सोशोलॉजी की क्लास, हिस्ट्री की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास, विषय को बढ़ा रहे हैं। स्कूलों की संख्या में उत्कृष्टता प्रदान करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। और शिक्षा अकेला किताबी ज्ञान नहीं है, शिक्षा किसान के खेत में भी मिलती है, शिक्षा सैनिक को बॉर्डर पर भी मिलती है, शिक्षा फिल्म निर्माता को फिल्म लाइन में मिलती है। आप जिस भी दिशा में काम करते हैं हर रोज़ सीखने का मौका मिलता है आपको। आज हमारे जैसे यहाँ एक धारा चल पड़ी है खिलाड़ियों की भिवानी के अंदर, विश्व स्तरीय हम पहलवान तैयार कर रहे हैं, विश्व स्तरीय बॉक्सर तैयार कर रहे हैं। जब तिरंगा लहराता है ओलंपिक में, जब तिरंगा कॉमनवेल्थ गेम में और भिवानी के बच्चे का नाम आता है तो भिवानी के पूरे लोगों का सीना जो है चौड़ा हो जाता है। हरियाणा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, भारत का गौरव आप बढ़ाते हैं। तो मेरा आपसे यही है कि उज्जवल भविष्य की मैं आपको कामना करता हूं और आने वाला वक्त जो है सारा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है,
अब वो जमाने गए, हमारे वक्त में जब हम बिजली नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था और बहुत सारी असुविधा थी। लेकिन आप लोगों को तो सब तरह की सुविधाएं प्रदान हैं। हरियाणा सरकार ने भी पिछले दिनों 750 करोड़ रुपए के लैपटॉप उन बच्चों को बांटे हैं फ्री, जिनके माँ बाप इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सरकारी स्कूलों के बच्चे, ताकि जो एक गैप ना पैदा हो जाए, जो प्राइवेट स्कूल हैं, अमीर धनाढ्य वर्ग के बच्चे हैं और गरीब के बच्चे में, उसको किसी तरह की कमी ना हो। तो नीतियाँ बना करके हम काम कर रहे हैं और हमारी नीतियाँ हरियाणा सरकार की वो हैं कि एक सर्वव्यापी समाज हो, सबका एक साथ उत्थान हो, सब जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबके लिए आगे बढ़ने के बराबर मौके हों, वो हरियाणा सरकार प्रदान कर रही है। मैं आप लोगों को यही एक बार दोबारा आपसे आशा रखता हूँ, आह्वान करता हूँ कि अब जो आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है विश्व मानवता के लिए, इसको आप दुनिया के लिए अपना सर्वसर्व झोंकें, भारत का नाम आगे करें, हरियाणा का नाम और भिवानी का नाम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर, आपका आभार है आपके इन आशीर्वचनों के लिए। विद्वत जन, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मंच को आज जो शोभायमान कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल एवं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, जिनका विराट व्यक्तित्व हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत्र है तथा जिनकी गरिमामय उपस्थिति ही हम सबको गौरवान्वित करने वाली है, मेरा करबद्ध निवेदन माननीय कुलपति महोदय से कि वो महामहिम कुलाधिपति महोदय को इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर संबोधन हेतु आमंत्रित करें, ताकि आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चांसलर ऑफ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी टू काइंडली डिलीवर द कन्वोकेशन एड्रेस एंड इनलाइटन अस बाय शेयरिंग हिज थॉट। महामहिम जी, चौधरी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी द्वितीय दीक्षांत समारोह में जो हमारे स्टेज पे श्री जयप्रकाश दलाल जी, कृषि मंत्री हरियाणा, श्री धर्मवीर सिंह जी, सांसद भिवानी महेंद्रगढ़, घनश्याम सर्व जी, विधायक भिवानी, विश्वंबर सिंह जी, विधायक भिवानी खेड़ा, प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, कुलपति अपने यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अजमेर सिंह मालिक जी, कुलपति चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, श्री गजेंद्र चौहान जी, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एवं विजुअल आर्ट्स रोहतक, श्री वेद प्रकाश यादव अध्यक्ष हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, श्रीमती ऋतु सिंह कुल सचिव और सभी विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी सदस्यगण, प्रिय विद्यार्थीगण और अभिभावकगण, उपस्थित महानुभाव एवं मीडिया बंधु और सभी भाई और बहनों, मुझे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के दूसरे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। आज डिग्री ग्रहण करने वाले सभी छात्रों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं इस अवसर पर उन सभी संघ के सदस्यों, शिक्षकों
गुरुजनों, माता पिता और अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं इन बच्चों की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा रहे भाई और बहनों, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में से एक है। मुझे खुशी है कि अपने 8 साल के कम समय के कार्यकाल में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। मेरे सामने देश का उज्जवल भविष्य बैठा हुआ है और मैं आप सभी में सुनहरे भारत का सपना देख रहा हूँ। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय ने अपनी छोटी अवधि के दौरान शिक्षा के साथ साथ स्थानीय क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमितों को बढ़ावा देने, 5 गांवों को विकास के लिए गोद लेने और वयस्क साक्षात्कार कार्यक्रम जैसे अभियान शुरू कर बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। इसके साथ विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास विषय को लागू किया है। इसी प्रकार वैदिक गणित विषय पर और डिप्लोमा शुरू करने वाला भी यह हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय पता चला है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा का ऐसा विश्वविद्यालय जिससे उच्च शिक्षा में सारे कुल विद्यार्थी लगभग 70% हमारे अधिक लड़कियां अध्ययनरत है और खुशी है कि आज कुल मैं जब गोल्ड मेडल दे रहा था, मैं जब देख रहा था, पहले जब मैं गोल्ड मेडल दिया, पहला थी लड़की थी, दूसरा गोल्ड मेडल दिया लड़की आई, तीसरा दिया लड़की आई, चौथा आया लड़का आया, फिर बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक भी लड़कियाँ भी रहे। मैंने इसे हमारे को बहुत ही आनंद लगा है। इसमें मुझे समाचार जो प्राप्त हुआ है पूरे 1694 में से डिग्रियां जो 1291 आर गर्ल्स लेडीज, इन्हें कोई देर इज नो कंपैरिजन आल्सो, कंपटीशन भी नहीं दिख रहा है, लड़कियां इतने आगे चले जा रहे हैं। और इस प्रकार की और डिग्री के बाद भी मैंने देखा जो 89 पदकों में 73 लड़कियों को मेडल प्रदान किया जाए, आउट ऑफ 89 में से 73 जो मेडल प्राप्त किए, इसलिए मैं महिलाओं को प्रत्येक शुभकामनाएं देता हूँ। महिला जहाँ आगे बढ़ेगी वहाँ बहुत राष्ट्रों, राज्यों, घरों, परिवारों आगे बढ़ेगा। महिला शुभ का लक्षण है, तो इसलिए महिलाओं को अत्यधिक योगदान देना चाहिए। अभी ज़्यादातर के विश्वविद्यालय में मुझे खुशी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेऊंगा, काफ़ी समय हुआ हूँ, मैं खुद जो है लेट आया। मैं पहले समझा था गवर्नमेंट के स्पेशल फ्लाइट से आना, लेकिन वातावरण ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं गाड़ी में आया, इसलिए 1 घंटा
मैं देर से आया हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। वो लड़की बात कर रही है, सिक्स लड़की बात नहीं करना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ सुनना चाहिए। आप बड़े ही गोल्ड मेडल लिए होंगे, कितने भी बड़े सर्टिफिकेट लिए होंगे, बिना डिसिप्लिन से आप आगे नहीं बढ़ सकते। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। अनुशासन जो है जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए सारे लोग जहाँ बैठे मेरे ओर ध्यान रखना चाहिए। बीच में बात कर रहे वो लड़का, बीच में बात कर रहे आश्रय, फिफ्थ लाइन फोर्थ पर्सन, फिर वो लड़की बात कर रही है। मैं तो बोल रहा हूँ आपके लिए, बीच में बात नहीं करना, बात करना बाहर जाना, यहाँ बैठना सुनने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप आज डिग्री प्राप्त कर लिए, खुशी है, जीवन में एक नया जो है आप जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके मित्र सारे देख रहे हैं कि आप क्या बनने वाले हैं। डिग्री लेने के बाद कुछ लोग नौकरी के लिए जाएंगे, कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग कुछ तो भी करेंगे। लेकिन मैं यही चाहूँगा, इतने लोग जो डिग्री लिए और आप में कौशल भी है, स्किल भी है, तो इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है, आप भले ही नौकरी की मिला ठीक है करिए, नौकरी मिला नहीं मिला, मेरा मानना है हमारी शिक्षा में जो है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं है, शिक्षा जीवन के लिए है। और कौशल बनाकर और अच्छा बनाकर आप लोग केवल जाकर नौकरी के लिए ढूंढे नहीं, आप दस लोगों को नौकरी देने वाले होना चाहिए। ये जो है आज आपके लिए सर्टिफिकेट है। यू शुड नॉट बिकम जॉब सीकर, यू शुड बी जॉब प्रोवाइडर। जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। तो इसलिए आज शिक्षा नीति में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई शिक्षा नीति लाई, 2020 में जो नई शिक्षा नीति लाई, आपके कुलगीत में जो गाया गया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, कौशल स्किल जो है अपना जीवन को उच्च स्तर देता है। तो इसलिए कि नया शिक्षा नीति में बहुत ही महत्व, नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा, रोजगारोन्मुख शिक्षा, और हमारे साइंटिफिक टेंपर को बढ़ाने वाली शिक्षा, और सदाचार को बढ़ाने वाली शिक्षा, सबसे बड़ा महत्व जो है मातृभाषा में पढ़ाने के लिए 70 साल के बाद पहली बार अपनी शिक्षा में मातृभाषा में पढ़ाने के लिए इस बार जो अवकाश दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी विषय है। विशेष करके गांव से आए हुए बच्चे रहते, गरीब परिवार से रहते, और वो भी पिछड़े हुए वर्ग के, दलित परिवार के, वनवासी परिवार के, गरीब परिवार के बच्चों को शहर में नहीं रहने से अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं आता। अंग्रेज़ी का मैं खिलाफ नहीं हूँ, अंग्रेज़ी सीखना चाहिए, अंग्रेज़ी से अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है अंग्रेज़ी सीखने के बाद अंग्रेज़ का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति और हमारी मूल जो है उसको हम कायम रखना चाहिए। इसलिए ये नया शिक्षा नीति में ये सारे विषय को आज
आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे खुशी है ये नई शिक्षा नीति भारत सरकार 2030 में पूरा करने वाला है। लेकिन हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये नई शिक्षा नीति 2025 में ही पूरा करने का निर्णय लिया। तो इसलिए हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़ भी उसी प्रकार से शेड्यूल बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए। और अंत में ये कहूँगा, आज हम तीन बातों को भूलना नहीं चाहिए। वन इज टेक्नोलॉजी, सेकंड इज इनोवेशन, थर्ड इज रिसर्च। ये तीन विषय जितना आगे आएगा उतना जो है विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं हमारे यूनिवर्सिटी के हमारे जो वाइस चांसलर हैं उनसे मैं जो है आग्रह करूँगा हमारी इस भिवानी यूनिवर्सिटी में भी हमारा रिसर्च जो है बहुत आगे बढ़ना चाहिए, नए टेक्नोलॉजी से आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत से नए टेक्नोलॉजी आए। ये नए टेक्नोलॉजी विद्यार्थी अगर टेक्नोलॉजी से जाएंगे तो उनको ज़्यादा विश्व भर में उनको नौकरी मिलने का मौका मिलेगा। आगे आने वाले भाई 2030 में दुनिया में करीब करीब 30 करोड़ नौकरी आने वाले, उसमें से मेरा विश्वास है भारत करीब करीब 10 करोड़ लोगों को वो नौकरी मिलने का प्रयास करेगा। अरे इतना जो है टेक्नोलॉजी में आईटी में इतना आगे बढ़ना चाहिए, जितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे उतना जो है हमारा कौशल आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, यूनिवर्सिटी में इनक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट कीजिए। कुलपति जी अपने पास इनक्यूबेशन सेंटर है? इनक्यूबेशन सेंटर है, बहुत खुशी है। इनक्यूबेशन सेंटर बढ़ना चाहिए। और मैं और एक विषय बताना चाहता हूँ, आपने यूनिवर्सिटी में एक सेल खोली है जो है यूनिवर्सिटी में आके जो है स्किल लेने के बाद नौकरी दिलवाने का जो सेल जो है उसका अलग से बनाने का आप प्रयास कीजिए नया, वेरी गुड। ऐसा जो है नहीं, जितना अच्छे अभी जो मैंने देखा महिला जो है बहुत आगे, महिला और इसमें आगे आना चाहिए और जितने ज़्यादा आग्रो बेस में जाइए, लोकल नीड्स पे जाइए। यहाँ हरियाणा में कौन सा बहुत ज़रूरत है, नए स्टार्टअप में आगे जाइए। तो इसमें इतना ही मैं कहता हूँ, आप लोग डिग्री लिए आगे जा रहे हैं लेकिन आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी समस्या आया वो समस्या को सुलझाने के लिए हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत बड़ा होना चाहिए, हिम्मत से आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है मैं डिग्री प्राप्त किया मुझे नौकरी नहीं मिला। अभी इस बीच में मैंने देखा था एक IIT पढ़ने वाला लड़का, बहुत अच्छा नौकरी मिला लेकिन घर की छोटा समस्या आ गया, वो जो है बहुत ऊपर से जो है गिर के मर गया। IIT में बहुत रैंक में आया फिर भी उसके पास छोटी समस्या आया तो उसको फेस करने के लिए हिम्मत नहीं था। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, आप लोग विश्वास के साथ समाज के साथ जोड़िए, समाज में जाइए। जैसा आपके वाइस चांसलर बताए आजू बाजू गाँव में टीबी है, टीबी के जितने लोग हैं उन लोगों को जाके कुछ आगे प्रचार कीजिए, हरियाणा को
टीबी मुक्त भारत बनाने में हमारा विश्वविद्यालय योगदान लेना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। टीबी मुक्त हरियाणा होना चाहिए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत 2025 तक करने वाले, हम भी जो है हरियाणा को 2025 के अंदर टीबी मुक्त बनाने में हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी गांव गांव में जाना चाहिए। यानी समाज सेवा बहुत ज़रूरत है, समाज सेवा और हमारी प्रकृति को रक्षा करना, एनवायरनमेंट को बचाना, गरीब को जो है सहाय करना, ऐसे विषयों को जो है ध्यान में रखकर आप लोग जीवन में अच्छे चरित्रवान बनना चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ा है चरित्र, चरित्र जिसका अच्छा रहता वो ऊंचा जाएगा, चरित्र नहीं रहा गिर जाएगा। इंग्लिश में कहावत है, इफ मनी इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ वेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। तो इसलिए चरित्र निर्माण हमारा जो एजुकेशन का, हमारा शिक्षा का जो है फाउंडेशन है। तो इसलिए मैं विश्वास करूंगा आप यहाँ से डिग्री लिए, गोल्ड मेडल लिए, लेकिन हमारी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी को आप दुनिया में किधर भी जाइए, लेकिन चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी को मत भूलिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपका संयोग भी बनाइए। आपके रूट्स कहाँ से आए? आपके रूट्स अपने यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए आप इससे जुड़कर आगे और आगे बढ़े। और एक बार मैं हमारे बहुत कम समय में इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी आगे बढ़ रही है और इसमें बहुत ही समावेशी बनाने का योगदान भी काफ़ी कर रहे हैं। हमारे सामने जो है काफ़ी प्रोग्राम बढ़ा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार सर अपने स्वर्णिम शब्दों में हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। और अब समय आ पहुंचा है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मंच को दीप्यमान करने वाले अतिथिजनों का आभार प्रकट करने का। सर्वप्रथम मैं निवेदन करती हूँ माननीय कुलपति महोदय से कि वो कुलाधिपति महोदय को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनकी आज के इस दीक्षांत समारोह पर गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार प्रकट करें। हम कामना करते हैं इस विश्वविद्यालय की मधुर स्मृतियाँ चिरकाल तक आपके साथ बनी रहेंगी। धन्यवाद सर। अब मेरा अनुरोध कुल सचिव महोदया श्रीमती रितु सिंह से कि वो आज के विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी का शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद करें। धन्यवाद मैम। डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर आर के गुप्ता जी से मेरा निवेदन कि भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद श्री धर्मवीर जी कुशाल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। डीन लाइफ साइंस प्रोफेसर संजीव कुमार जी से मेरा अनुरोध कि वो
भिवानी से विधायक श्री घनश्याम सराफ जी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार करें। धन्यवाद सर। डीन अर्थ एनवायरनमेंट एंड स्पेस साइंसेज प्रोफेसर ललिता गुप्ता जी से मेरा निवेदन कि वो सामने आए एवं भवानी खेड़ा से विधायक श्री विशंभर वाल्मीकि जी का शॉल एवं स्मृति चिन्ह के माध्यम से धन्यवाद करें। डीन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर दिनेश मदान जी से मेरा निवेदन कि वो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी का आभार प्रकट करें शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर। धन्यवाद सर। डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डॉक्टर सुनीता भरतवाल से मेरा निवेदन कि वो सम्मान करें श्री गजेंद्र चौहान जी का वाइस चांसलर पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। प्रोफेसर बाबूराम जी मानविकी संकाय के डीन से मेरा निवेदन कि वो धन्यवाद करें अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी श्री वेद प्रकाश यादव जी का। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के इतिहास में ये स्वर्णिम क्षण मान्यवर आप सभी के प्रति हम हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं, हम कृतज्ञ हैं। पुनः आप सभी का धन्यवाद और अब मैं सभी आगंतुक विशिष्टजन के औपचारिक धन्यवाद हेतु विश्वविद्यालय की कुलसचिव महोदया माननीय श्रीमती ऋतु सिंह जी से निवेदन करती हूँ मंच पर आएं और औपचारिक धन्यवाद करें। Good afternoon, ladies and gentlemen, our esteemed chief guest, His Excellency, Governor of Haryana and Chancellor of Chaudhary Bansilal University, Bhiwani, Shri Bandaru Dattatreya ji, our guest of honor, Shri Jay Prakash Dalal ji, Honorable Agriculture Minister, Government of Haryana, Shri Dharamveer Singh ji, Member of Parliament, Bhiwani, Mahendragarh Lok Sabha, श्री घनश्याम सराफ जी एमएलए भिवानी, श्री विशंबर जी एमएलए भवानी खेड़ा, ऑनरेबल वाइस चांसलर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी प्रोफेसर आर के मित्तल जी, प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी ऑनरेबल वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, श्री गजेंद्र चौहान जी Honorable Vice Chancellor, Pandit Lakshmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak. Shri Ved Prakash Yadav Ji, Honorable Chairman, Haryana Board of School Education, Bhiwani. Distinguished guests, most importantly, our graduating students and their proud family members. It is indeed my proud privilege to propose a vote of thanks on this significant occasion. It is often said that gratitude is the attitude that takes you to your altitude. So on behalf of CBLU fraternity, I take this opportunity
to express my gratitude to all of you, let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. Honorable Chancellor, sir, our first gratitude is due to you for the very presence in today's program in spite of your extremely busy schedule and your inspiring convocation address. We are all inspired by your gracious presence, sir. I, on behalf of CBLU fraternity, extend to you, Honorable Governor, sir, a very hearty vote of thanks for gracing the occasion and sharing with this august audience your vision. Thank you, sir. I would like to take this opportunity to express my heartfelt thanks to Shri Jay Prakash Dalal Ji, Agriculture Minister, Government of Haryana, for graciously agreeing to join us and sharing invaluable insights from his extensive experience. Thank you, sir. My immense thanks to Shri Dharamveer Singh Ji, Member of Parliament, Bhiwani, Mahendragarh Lok Sabha, Shri Ghanshyam Saraf Ji, MLA Bhiwani, and Shri Vishambar Singh Ji, MLA Bhawani Kheda. Sirs, let me take this opportunity to express my gratitude for your support, which has always been forthcoming. I express my sincere thanks to Professor R.K. Mittal Ji, our Honorable Vice Chancellor, a dynamic personality, for guidance to us in all our activities. Thank you, sir. I also express my heartfelt thanks to Professor Ajmer Singh Mallik Ji, Honorable Vice Chancellor, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Shri Gajendra Chauhan Ji, Honorable Vice Chancellor, Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak, and Shri Ved Prakash Yadav Ji, Honorable Chairman, Haryana Board of School Education, Bhiwani, for their benign presence in this convocation. We are extremely thankful to all the distinguished guests, members of court, executive council, academic council, finance committee, and the planning board. We shall cherish this day with you long after the convocation is over. Esteemed faculty members, you are the backbone of the university. I would like to thank all of you for your commendable efforts throughout the year and for making the academic journey of our students at CBLU Bhiwani worthwhile. Thank you. There are so many people in the organizing committee who have contributed to this ceremony. These are all the people who made sure we all smile today. It would not be possible to name them individually. Nevertheless, my thanks to each one of them. I profusely thank my colleagues in the administration team, including the technical and support staff. You are the silent workers behind the scenes and truly deserve a special thanks. A special thanks to JBTL Bhiwani and Vardhman Jewelers Bhiwani for their support in many ways. And I would like to express my gratitude to the district administration for their support in every possible way. Thanks, district administration. A wholehearted thanks to volunteer students who have been working hard to arrange this event. Thank you, students. A very special thanks to the entire graduating batches for giving us this proud moment and the wonderful memory for a lifetime to cherish. This university remains indebted to you forever. And a heartfelt thanks to parents and family members for being here, coming all the way to our campus. And last but not the least, I express my sincere thanks to media persons for covering university events. Thanks to you, and thank you for your efforts. Before concluding, let me thank you one and all for coming and gracing the occasion. Thank you, and have a good day. Thank you, ma'am. Once again, I request you, Madam Registrar,
to request the Honorable Chancellor Sir to declare the convocation closed. I declare the convocation closed. Thank you, sir. Thank you so much. I request all of you to kindly rise in their seats for national anthem. Thank you, one and all. I request all of you to please remain standing. Now the academic procession will return. All the members present in the convocation hall are requested to please maintain and rise in the standing position till the academic procession leave the convocation hall. Yeshtarayam brahmanam brahmanaspata anasrandam notivistirasadhanam Nidhudhidaganapate ganeshutvama varnipratamam chadinam नर्ते पत्रियरेकिं चरारे महामर्टम् मघवं चित्रमच्चा प्रणो देवी सरस्वती वाजे धर्भागिनी वजी भीनाम विद्यावतु सतधारमुत्समक्षी यमानं विपस्चितं पितरं वक्पानां मेलिं मदंतं चित्रो रुपस्थे सम्रोदसी पिप्रतं तत्यवाचं रिचो अक्षरे परमे व्यो मन्यस्तिं देवा अभिविश्वे निहेतु Jastanna-ve-dhaya-vrita-kar-ishya-dhija-hitta-dvita-stha-jime-samah-sate-om Ragnipurve virhi viri jyonuta nairuta Tadevam yehavakshati Abhinarayimashnavatkoshamevadhivedive Jatasam viravattamam Agnejam yajyamadvaram vishvatah paribhurati Sayyid Deveshu Gacchati Rabnirhota Kavikratas Satyas Chitrasra Vastamaha Devo Devevhiragamat Yadangadasuhe Tvamagne Bhadram Karishyati Karetat Satyamangira Upatvagne divedi vedosha vastadhija bhayam Namo bharam tayevasi Dajantamadvaranam gopamritasya didivim Vabdhavanam svedame
तनक्तिते वसूनवेग्नेशूपायनो भवा तचस्मानस्वस्तये वायवायाहि दर्शते मे सोमामरङ्कृताः तेषाम् पाहि श्रुधिहवम् वायगुप्ते भृद्यन्ते त्वामच्छाजहिताराः ततो माहर्विताः वायोतः प्रपञ्चति धेनादिकादिदासुभे ब्रूतीयोमातीतये इन्द्रवायो इमे सुतामुपप्रयोभिरागतम्